Hello and welcome to Auto Thrust India. So we have this absolutely smashing BMW M340i with us and ये completely facelifted model है and इसकी जो direct competitor है वो है Mercedes Benz AMG C43 and उसका जो price है वो almost चला जाता है 1.2 CR on road. इसका ऑन रोड प्राइस 85 लाख रुपये चला जाता है. सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्राइस गैप है एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये कार लेनी चाहिए ओवर दी मर्सिडीज बेंज C43. एंड सो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रंट प्रोफाइल से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुकती है कार. लिटरली BMW के जो न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके साथ ज़्यादा नहीं जाती है ये. ओल्ड BMW जो है उनके साथ जाती है एंड वो काफ़ी अच्छी थिंग है. एंड आप देख सकते हैं अंदर ये ब्लू सा एक चीज़ मिलेगा. सो बेसिकली लेज़र लाइट सेटअप है ये. LED इंडिकेटर्स, एडाप्टिव लाइट सब मिल जाएंगे. यहाँ पे फ्रंट में कैमरा, ग्रिल पूरी ब्लैक्ड आउट है एंड इसके जो वेंट्स है ऑटोमेटिकली खुलते हैं एंड बंद होते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच इट नीड्स टू ब्रीद. कितना ज़्यादा हीट होता है उसके ऊपर डिपेंडेड है. एंड यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको. BMW का बैजिंग मिल जाएगा एंड देख सकते हैं आप कार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है स्पेशली इन दिस रेड शेड. ब्लैक्ड आउट मिरर्स भी मिल जाएंगे आपको. व्हील्स की बात की जाए तो 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको एंड बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं हाई प्रोफाइल रबर है ये. लाइक रिम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े, इसके गैप ही नहीं बचता कुछ. सो आपको स्पीड ब्रेकर से नॉल पे काफ़ी संभल के चलाना पड़ेगा, अदरवाइज यू वुड एंड अप डैमेजिंग द अलॉय व्हील्स एंड बहुत ज़्यादा आपको तगड़ा खर्चा आएगा. एंड इसके लेंथ की बात की जाए तो फर्स्टली इंडिया में 3 सीरीज सिर्फ 340i इंजन के साथ ही सेल हो रही है. अगर आपको डीजल या नॉर्मल पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको उसके लिए लिमोजिन वेरिएंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा. BMW को नॉर्मल 3 सीरीज के साथ भी दे देना चाहिए डीजल इंजन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सेल भी काफ़ी बढ़ जाएगी, पीपल के लोगों के पास भी ऑप्शन होगा काफ़ी. एम का यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम स्पेसिफिक, देख सकते हैं आप ये फिन मिल जाएगा एक मिरर मिरर में. सिर्फ कुछ ही स्पेशल BMW की एम जो गाड़ी है उन पर ही मिलते हैं आपको ये मिरर्स. LED टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर आपको चारों दरवाज़ों पर मिल जाएंगे. एंड कार के पास जैसे आप चले जाओगे कार अनलॉक हो जाएगी, जैसे दूर चले जाओगे कार लॉक हो जाएगी. एंड हाउ डू यू नो डैट, बिकॉज मिरर जो है अंदर चले जाएंगे बाहर आ जाएंगे, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि वेदर कार लॉक है अनलॉक है. यहाँ पे शार्क का एंटीना मिल जाएगा. टैंक जो है कुछ ऐसे ओपन होता है इसका. एंड जितना हाई ऑक्टेन फ्यूल डालोगे आप कार में उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लाइक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी एंड आप जो कार का मैक्सिमम परफॉर्मेंस है एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. एंड यू कैन सी फ्रॉम द रियर कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कार, स्पेशली विद दिस पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट एंड ऑल. रेड में और ज़्यादा अच्छी लग रही है. यहाँ पे M340i का बैजिंग मिल जाएगा, BMW का बैजिंग, पीछे कैमरा मिल जाएगा. आपको मैं दिखा देता हूँ इस एंगल से गाड़ी. यू कैन सी हाउ कूल इट लुक्स, लाइक लिटरली C43 से तो बहुत ज़्यादा अच्छे लुक्स है BMW हमेशा लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा ही टॉप पर रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू लुक्स ऑफ दिस डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग ऑफ द व्हीकल एंड एक्सटीरियर आई विल लिटरली गिव 10/10. मैं देता नहीं हूँ यूजुअली किसी को, लेकिन 10/10 है इसका डिज़ाइन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश मिल जाएगा, स्पॉयलर सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाएगी, 428 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा एंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं है. सूटकेस आएंगे बड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल चीज़ें अकोमोडेट कर लेगा. नीचे स्पेयर व्हील मिल जाएगा एंड फुल साइज़ एलॉय भी नहीं है वो, एलॉय तो छोड़ो फुल साइज़ भी नहीं है वो, काफ़ी पतला व्हील मिल जाएगा. जितने भी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स है मैंने ऑब्जर्व किया है वो लाइक फुल साइज़ व्हील देते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली व्हील देते हैं हर एक मैन्युफैक्चरर. सो वो एक चीज़ है, वहाँ पर बहुत कॉस्ट कटिंग करते हैं लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लेदर फिनिश मिल जाएगी. यहाँ पे ये अनलॉक एंड लॉक का जो बटन है नॉर्मल मिल जाएगा एंड सारे ही विंडोज़ इल्यूमिनेटेड हैं एंड सारे ही विंडोज़ इल्यूमिनेटेड एंड ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ आते हैं. 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड जस्ट लुक एट द थर्ड, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड है कार का. एंड यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सेम एंड आपको यहाँ पे कोई भी सनब्लाइंड नहीं मिलेगा. ट्विटर स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा, 19 स्पीकर का टोटल आपको ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका ऑडियो सिस्टम, बेस्ट सेगमेंट में टू बी प्रिसाइज. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कंटारा फिनिश मिल जाएगी, 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा विथ कप होल्डर. लेट मी जस्ट गेट इनसाइड. सो कार जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा लो स्लंग है, तो आपको कार में लिटरली लाइक बहुत ज़्यादा घुस कर बैठना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट्रॉनिक कंट्रोल्स. सो बेसिकली कार में ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है एंड पीछे भी आपको ऑटो आ जाता है बेसिकली. एंड यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, कप होल्डर्स एंड आप देख सकते हैं अटेंशन टू डिटेल इन ऑर्डर टू कीप योर बेवरेजेस एट प्लेस. एंड सीट बेल्ट की बात की जाए तो जस्ट लुक एट इट,
जस्ट लुक एट द अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पे एम का आपको स्पेसिफिक मिल जाएगा स्टिचिंग, इनफैक्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू, एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट इट ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड पीछे भी आपको देख सकते हैं स्पीकर्स मिल जाएंगे, आइसोफिक्स टाइल माउंट, एंड दिस इज फॉर दी स्टॉप लैम्प, आपको पीछे एलईडी लाइट्स मिल जाएंगे, एंड कार के जो लाइट्स हैं इंटीरियर के बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, लिटरली आपको लगेगा कि फाइव स्टार होटल में बैठे हो आप, एम्बिएंट लाइट यू कैन सी इट्स विजिबल यहाँ पे मिल जाएंगे, टोटल आपको आई गेस 8 कलर मिलते हैं, मर्सिडीज में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे ऑब्वियसली बिकॉज मर्सिडीज है वो, एम्बिएंट लाइट में वो मास्टर है। पीछे के स्पेस की बात की जाए तो सीट जो है मेरे हिसाब से एडजस्टेड है 6 feet में, एंड इट्स क्वाइट एडिक्वेट। पीछे का जो सीट है थोड़ा मुझे अपराइट लगा, जो ग्रैंड लिमोजिन वेरिएंट है उसके तो बहुत अच्छे सीट्स, उसमें स्पेस भी सबसे ज़्यादा है, बेस्ट उसके सेगमेंट में, बट जो पीछे की सीट्स है वो एएमजी लाइक मर्सिडीज़ के ज़्यादा अच्छे हैं, एंड ऑल्सो उसमें कंफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वो मर्सिडीज़ है, एंड कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगा आपको पीछे, मैगजीन होल्डर आई गेस दे देना चाहिए था, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया, सनरूफ मिल जाएगा, ब्लैक रूफ भी मिल जाएगा आपको, तो चलते हैं कार के फ्रंट में, एंड जस्ट लुक जस्ट हियर द थर्ड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड है कार का, गेटिंग इनसाइड, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, सो ये टू ओपन द बूट, आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलेगा कार में, एंड यहाँ सारे स्विचेस इल्यूमिनेट, एंड ये जो क्रोम स्विचेस है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं यार, हर एक गाड़ी में देना चालू कर दो मैं तो बोलता हूँ, एंड मेमोरी सीट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे मेमोरी सीट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको 16-way पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगी, एंड ये जो है ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा एंडर थाई सपोर्ट, एंड इनफैक्ट आप इसका जो बोलस्ट्रिंग है आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, आप वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे भी अल्कांटारा फिनिश मिल जाएगी, एंड जो इसके सीट्स है वो थोड़े अलग है जो रेगुलर 3 सीरीज़ या 330 एल आई से, एम्स कफ प्लेट्स मिल जाएंगे बट इट्स नॉट इल्यूमिनेटेड, एंड यहाँ पे आपको हुड मिल जाएगा, दो बार आपको खोलना है, एंड हाइड्रोलिक स्टड्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप पूरे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, एंड जैसे मैंने कहा आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाता है, तो नो हेडलाइट लेवलर स्विच यहाँ पे, लेट मी जस्ट स्टार्ट द व्हीकल, सो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे, एंड इट मेक्स सच अ गुड नॉइज मैन, बहुत ज़्यादा इट लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी जो साउंड प्रोड्यूस करता है इसका एग्जॉस्ट एंड इंजन, एंड कार जो है जैसे आप स्टार्ट करोगे कंफर्ट मोड में आ जाएगी। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो नॉर्मल आपको टिपिकल BMW के एम स्टेयरिंग, एंड बहुत ज़्यादा चंकी है ये, बहुत ज़्यादा चंकी है, लाइक इतना मोटा लेदर यूज़ किया है इसमें, एंड इट फील्स रियली नाइस टू होल्ड। पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, एंड जैसे आप मोड इसका चेंज करोगे इसका जो है एग्जॉस्ट का साउंड भी चेंज हो जाएगा, एंड जो थीम्स है वो भी आप देख सकते हो बदल जाएंगे। सो तीन मोड है, इको प्रो, कंफर्ट एंड स्पोर्ट, एडाप्टिव आपको नहीं मिलेगा इसमें, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए सो कम्प्लीटली जॉइंट है, एंड बहुत ज़्यादा बेस्ट है सेगमेंट में, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता इससे अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेंगे 1 करोड़ या लेकिन 1.5 करोड़ के रेंज में, बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड है ये, एंड इतना अच्छा क्रिस्प 4K रेजोल्यूशन में है, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डिटेल, एंड यू कैन ऑल्सो ऑपरेट थ्रू दिस। क्लाइमेट मेन्यू में जाता है, सो ऐसा कुछ होता है ये, सो क्लाइमेट के लिए अलग से फिजिकल स्विच होता तो और बेहतर होता, यहाँ पे आपको लेकिन वॉल्यूम के लिए फिजिकल स्विच मिल जाएगा, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड ट्रैक चेंज करने के लिए यहाँ पे दिस इज़ फॉर द पार्किंग, एंड ऑल्सो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, सो मैप नेविगेशन ऑप्शन, होम में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एंड यू कैन सी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर, यू कैन सी BMW ID, मोबाइल डिवाइसेस, एप्पल कारप्ले ऑटो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा, टेलीफोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, BMW असिस्टेंस एंड ड्राइविंग सेटिंग्स में जाते हैं, सो जो साउंड है, सो बेसिकली कार क्या करती है, जैसे आप स्पोर्ट मोड में डाल दोगे गाड़ी को, एंड आप थोड़ा रेव करोगे इंजन, थोड़ा आर्टिफिशियल साउंड्स प्रोड्यूस करेगी गाड़ी कार के अंदर इन ऑर्डर टू गिव यू दैट एड्रेनालिन रश, बट अगर आप वो नहीं चाहते हो, आपको रियल साउंड्स चाहिए, तो आप यहाँ से वो ऑफ भी कर सकते हो, आइकॉनिक साउंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, सो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, सो दिस इज दी लाइक, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पे मिल जाएगा, एंड कैमरा की बात की जाए तो आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, यू कैन सी, सो देन लेट मी जस्ट पुट इट इन रिवर्स, आपको यहाँ पे ऑटो पार्क का भी फीचर मिल जाएगा, यू कैन सी रिवर्सिंग असिस्टेंट, पार्क असिस्ट, कार जो अपने आप पार्क कर लेगी पार्किंग स्पॉट ढूंढ कर, 3D व्यू में चले जाते, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स,
बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, काफी ज्यादा क्लियर है। ऑल्सो कार जो एग्जैक्ट कलर बता रही है, इनफैक्ट जो कैलिपर्स है उसका भी कलर बता रही है कार, कितना ज्यादा डिटेल। एक और डिटेल मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये कार है यहाँ पे, ठीक है। अब कार का जो है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी कार ने भी लाइट ऑन कर दी। दरवाजा खोल देता हूँ, यहाँ पे दरवाजा भी खुल गया। कार का जो है स्टेयरिंग में मोड़ देता हूँ, ठीक है। इस तरफ कार का स्टेयरिंग में मोड़ गया, अब इस तरफ मोड़ दो, इस तरफ मुड़ गया। सो इतना ज्यादा डिटेल है। अब मैं कार के पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे पार्किंग लाइट भी ऑन हो गए। सो इतना ज्यादा अटेंशन टू डिटेल भाई, ये कोई भी मतलब नहीं मिलेगा आपको ये प्राइस रेंज में, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। काफी ज्यादा अच्छा काम, ये मर्सिडीज में भी आपको ये देखने नहीं मिलेगी ये सब चीजें। एंड मर्सिडीज तो आपको सबको पता है कितना ज्यादा टेक गीक है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस। एंड वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिल जाएगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, एंड यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। एंड ऑल दिस स्विचेस फील रियली नाइस एंड टैक्टाइल टू ऑपरेट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छे, यहाँ पे लेदर, यहाँ पे लेदर, नीचे आपको सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाएगा, बट ओवरऑल द क्वालिटी इज रियली नाइस। ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाएंगे, एंड स्प्रे जो है आप देख सकते हैं वाइपर के अंदर ही इंटीग्रेटेड इसका स्प्रे, एंड विच इज क्वाइट नाइस। ऑल्सो जो ब्लेड्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, डबल ब्लेड वाइपर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वीप प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टोरेज की बात की जाए तो यू कैन सी यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एंड थोड़ी अच्छी स्पेस, डिसेंट सी स्पेस मिल जाएगी। एंड इसके एम्बिएंट लाइट के कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जाना है इंटीरियर लाइटिंग में, आपको जाना है यू कैन सी इंटीरियर लाइटिंग। यहाँ पे जो है कलर आप देख सकते हो, ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। सो ऐसे इतने कुछ कलर्स आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको जैसे कि मैंने कहा 19 स्पीकर का हार्मन गार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑडियो सिस्टम है ये। आपको लिटरली थिएटर जैसा एक एक्सपीरियंस मिलेगा विद द स्क्रीन। एंड ये सेम स्पीकर्स आपको बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है, वॉल्वो XC40 में मिलता है, आई गेस मिनी कूपर भी मिलता है, मिनी कूपर में लेकिन थोड़ा कम वैट का है, स्मॉलर सेटअप, इसमें बहुत लार्ज सेटअप है। सो इसके स्पीकर्स है वो भी डेफिनेटली बेटर है मर्सिडीज से। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सीट्स पे अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे सनवाइजर्स की बात की जाए तो मिरर अलॉन्ग विथ लाइट। एंड यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा खासा सनरूफ मिल जाएगा, ऐसा उसका बटन देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सनरूफ मिल जाएगा आपको, एंड खुलता भी उतना ही है ये। सो इसके इंजन की बात की जाए तो आपको इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, 3 लीटर का इंजन मिल जाएगा, वो भी प्रोड्यूस करेगा अराउंड 370 PS ऑफ पावर एंड 500 Nm ऑफ टॉर्क, एंड 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड जो मर्सिडीज का इंजन है वो प्रोड्यूस C43 का, वो आता है 2 लीटर इंजन के साथ, वो 2 लीटर इंजन के साथ आएगा, ये जो है 3 लीटर इंजन के साथ आता है, एंड वो 4 सिलेंडर है, बट वो प्रोड्यूस करता है 400 bhp ऑफ पावर एंड 500 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये ऑल व्हील ड्राइव है, बेसिकली एक्स ड्राइव है ये, एंड ये ऑल व्हील ड्राइव है। एंड ऑल्सो इसका जो प्राइस है 85 lakhs है विद बेइंग 6 सिलेंडर, एंड इतना ज़्यादा अच्छा इंजन, इतना लाइक लगता है कि 6 सिलेंडर गाड़ी चला रहे हो आप, लगता है कि कोई एक एंथुजियास्टिक कार। एंड विद दिस ZF सोर्स 8-स्पीड ट्रांसमिशन, बहुत ही ज़्यादा लाइक गियर शिफ्ट तो ऐसे होते कुछ समझ में नहीं आता, DSG से भी ज़्यादा अच्छा लाइक इसका रिस्पॉन्स है, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट सब कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इतना ज़्यादा अच्छा इंजन है विद दिस ट्रांसमिशन। एंड जैसे कि मैंने कहा 1.2 CR तक चली जाती है मर्सिडीज, एंड ये जो है 85 lakhs में आपको इतना ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है, 0-100 ऑलमोस्ट 4.5 सेकेंड्स में कवर कर लेगी ये, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड फास्ट भी 250 km/h तक चली जाएगी आराम से, उसके ऊपर भी जा सकती है, बट आई वुड रिकमेंड यू इंडिया में इतना पुश मत करो आप स्पीड, इनफैक्ट 200 भी मत करो, 120 तक ही चलाओ। एंड ऑल्सो जो मर्सिडीज के जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई साइड पे है, जैसे मैंने कहा फीचर्स जो है वो अच्छे खासे मिल जाएंगे उसको, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, आपको एक फील चाहिए स्पोर्ट्स कार का, ऑब्वियसली जो फैमिली वाले बायर से जाओ प्रोस्पेक्टिव बायर से वो ये गाड़ी नहीं लेंगे, वो 330 Li के साथ ही चले जाएंगे, या तो कोई सी क्लास पे चला जाएगा या तो ई क्लास पे चला जाएगा फॉर दैट मैटर। बट अगर आपको एक कार एंथुजियास्ट हो, अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो परफॉर्मेंस गाड़ी के साथ, एक एड्रेनालिन रश आपको एक फील करना चाहते हो,
सो आई गेस आपको M340i लेनी चाहिए बिकॉज प्राइस भी कम, परफॉर्मेंस भी ज्यादा, ड्राइविंग फैक्टर भी ज्यादा एंड अराउंड द कॉर्नर्स वाइंडिंग सेक्शन ऑफ रोड कार इतनी ज्यादा स्टेबल रहती है, इतनी ज्यादा प्रिसाइजली यू नो कार जो है अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करती है. इट्स रियली लाइक BMW तो हमेशा से मास्टर ही रहा है वो डिपार्टमेंट में एंड इनफैक्ट इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी. एंड एक चीज मैं कहूँगा, इसका जो सस्पेंशन है बहुत ज्यादा स्टिफ है एंड होना भी चाहिए एंड जैसे ही आप स्पोर्ट मोड पर डालेंगे और भी ज्यादा स्टिफ हो जाएगा. लिटरली रोड के छोटे छोटे चीज आपको फील होगी कार में एंड बहुत ज्यादा हिलेगी कार. और जैसे ही कार को आप हाईवे पर लेकर जाओगे विद लाइक यू नो क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 और इनफैक्ट 150 किलोमीटर पर आवर कुछ फील ही नहीं होगा आपको, कुछ फील नहीं होगा. कार जो इतनी ज्यादा स्टेबल रहती है एंड ये जो चीजें है ना ये डिफरेंशिएट करती है ये गाड़ी को मर्सिडीज से. मर्सिडीज में आपको ऑब्वियसली मिलेगा सस्पेंशन स्टिफ बट लाइक अगेन इसका जो सस्पेंशन का कैलिब्रेशन है BMW का मर्सिडीज से काफी ज्यादा अलग है. सो वो एक चीज है. लाइक 150-200 पर भी चले जाओ आपको लगेगा कि आप 60 पर ही चला रहे हो गाड़ी, इतनी ज्यादा स्टेबल रहती है कार एंड कार में कोई नॉइज नहीं आता है. इंसुलेशन NPH लेवल्स इज जस्ट स्पॉट ऑन इन दिस कार. सो ये था BMW M340i का व्लॉग. आपको कैसी लगी ये गाड़ी, कैसा लगा ये व्लॉग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी लेना चाहोगे, M340i या C43 AMG. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.